नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए भर्ती होने वाले 70,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नई सरकारी भर्तियां पाने वाले लोगों को संबोधित भी किया। रोजगार मेला देश भर में कुल 44 जगहों पर आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने युवाओं से आम जनता के हित में काम करने को कहा, क्योंकि जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है। पीएम मोदी ने कहा, भारत सिर्फ 9 वर्षों में दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। आज हर विशेषज्ञ ये कह रहा है कि कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। यह भारत के लिए असामान्य सिद्धि बनने वाला है। इसका मतलब हर सेक्टर में रोजगार बढ़ने वाला है और हर व्यक्ति की आय भी बढ़ने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी के अमृत काल में सभी देशवासियों ने अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। जैसे आपके जीवन में अगले 25 साल महत्वपूर्ण हैं, वैसे ही भारत के लिए अगले 25 साल बहुत ही अहम है। आज दुनिया में भारत के प्रति जो विश्वास बना है, आकर्षण बना है, आज भारत की महत्वता बनी है। हम सबको मिलकर इसको पूरा लाभ उठाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान जब देश के विकास के पथ पर चल रहा है, सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करने का अवसर मिलना बहुत सम्मान की बात है। इस देश के लोगों ने भारत को एक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। अगले 25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत। नमस्कार।